आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में वीर लाचित बरफुकन के 400वें जन्म जयंती पर डिब्रूगढ़ में निकाली गई मार्च पास्ट। आपको बता दें कि मुगलों को धूल चटाने वाले देश की सुरक्षा में कोताही बरतने पर अपने मामा का सिर कलम कर देने वाले वीर लाचित बरफुकन की 400वें जन्म जयंती के अवसर पर डिब्रूगढ़ जिला में जिला और पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिब्रूगढ़ के जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने फीता काटकर किया। इस दौरान डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेतांग मिश्रा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीर लाचित बरफुकन की शहादत व बहादुरी को याद करते हुए भारत माता व लाचित बरफुकन का जयकारा लगाया गया, जिसके बाद पुलिस रिजर्व से मार्च पास्ट निकाली गई, जिसमें असम पुलिस व बटालियन के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान व विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों ने सुंदर कदम ताल मिलाते हुए मार्च पास्ट में भाग लिया। मार्च पास्ट डिब्रूगढ़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चौकीडिंगी खेल मैदान में समाप्त हुई। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार। आज हमारा लाचित बरफुकन का 400वां जन्म जयंती उपलक्ष्य में हम लोग अपने घर का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला प्रोग्राम है कार्यक्रम है अपना से हम लोग लाचित बरफुकन का उसका मेमोरी कार्यक्रम रखे लाचित बरफुकन और तारीख और जन्मदिवस पाती आसू तो हे धरने अमार आज जी इनॉग्रेशन प्रोग्राम आसे या तमार एटा मार्च पास्ट होबो एटू मार्च पास्ट अमार 20 प्लाटून आसे एटू पुलिस सीआरपीएफ असम राइफल्स एनसीसी बैंड असम पुलिस बटालियन ए गुटे लोय 20 प्लाटून यार पूरा चौकी डिंगी लोके जाबो आरु आज हेटू तो प्रथम कार्यक्रम लगते अमार एटा निबंध लेखन कार्यक्रम सोली आसे आरु मेन कार्यक्रम जी आसे हेटू 24 तारीख को थबो आरु इतिमध्ये हमार कार्यक्रम सोली थाकबो प्रत्येक दिन दिवसत हमार एटा एटा कार्यक्रम आसे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।